हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ करवाऊंगी। इस बुक में देखिए टोटल आपको ना 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ब्लॉक्स आपको दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैंने करवा दिया है। फर्स्ट ब्लॉक की तीनों यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। अभी मैं आपको सेकंड ब्लॉक करवा रही हूँ और इस सेकंड ब्लॉक में भी यूनिट 4 और 5 करवा दी है। आज हम इसकी यूनिट 6 करेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और BEVAE 181 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आज हम सेकंड ब्लॉक का यूनिट 6 करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको एक बार और, ये हमारा सेकंड ब्लॉक नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें से यूनिट 4 और 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको इसकी यूनिट 6 करवाऊँगी, बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज एंड सर्विसेज। तो आज हम यूनिट 6 इसकी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 6। देखिए यहाँ पे यूनिट 6 में आपको टोटल 4 टर्मिनल क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट बोले गए हैं। पहली चीज़ तो आपको डिफ़ाइन करना है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सेकंड पार्ट इसका कहता है कि इसके जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना बायोडाइवर्सिटी के, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। पेज नंबर 106, 107, 108 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं 106 से एक बार। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या होती है। सो जो बायो है ना, इसका मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है उनमें विविधताएं। जैसे कि हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी आपको पता है कितने सारे टाइप के लोग होते हैं, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, तो ऐसे बहुत सारी वेराइटीज़ आपको ह्यूमंस में देखने को मिलती है। एनिमल्स में भी बात करें तो रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ना डिवीजन देखने को मिलता है। अगर फीमेल्स की भी मैं बात करूँ तो उसमें भी आपको बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी देखने को मिलती है। सो डाइवर्सिटी जो वर्ड है ना, वो इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि आपको कितनी वेरिएशन देखने को मिल रही है। सो बायोडाइवर्सिटी इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ एंड इन लिविंग नेचर। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, जो लिविंग नेचर होता है ना उसकी और उसके अंदर जो विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी से डिफाइन करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज स्पीशीज़, मतलब अलग अलग टाइप की स्पीशीज़। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे ना आपको एक टेबल दे रखी है, आप यहाँ से कोई भी रैंडम एग्जांपल दे सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको, 4500 जो स्पीशीज़ है वो मैमल्स की है। मैमल्स क्या, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और अपने दूध से उनको फीड करते हैं। 10,000 स्पीशीज़ बर्ड्स की है, बर्ड्स का मतलब जो उड़ रहे हैं। अब उसमें भी देखिए बहुत सारी वैरायटी होती है, स्पैरो, पिजन, वल्चर, तो ऐसे बहुत सारी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब जो एग्जांपल आपको दे रखे हैं ना इस पूरी टेबल में, ये सब बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल्स लेके अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसकी कोई ऐसा सिंपल डेफिनेशन नहीं है, या उसको सिंपली आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप एक आधे ना थिंकर का नाम डाल सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में डेफिनेशन दे रखी हो। तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है 1992 की जो अर्थ समिट थी रियो डी की, तो इसके अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया था। इसमें क्या चीज़ बता रखी है, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर आलिया टेरेस्ट्रियल मेरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ विच दे आर पार्ट। दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन मैनी स्पीशीज बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ इको सिस्टम। देखिए ये जो स्पेलिंग है ना, ये जो डेफिनेशन है ना, ये वो डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। मैंने आपको एकदम बेसिक सी लैंग्वेज में आपको एक चीज़ समझा दी है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो वेरिएशन आपको देखने को मिलती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की भी बात करें तो जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं तो उसमें भी देखिए, अगर मैं डिवाइड करती हूँ ना, जो एक्वेटिक बॉडी अलग हो गई हैं, लैंड पे अलग रह रहे हैं, और जो स्काई वाले हैं वो अलग है, तो हम सिर्फ एक्वेटिक बॉडीज़ भी अगर उठा के देखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेंगी। फिशेज की भी अगर हम बात करें तो फिश में भी बड़ी सारी वेरिएशन आपको देखने को मिलती हैं। तो यही आपको बता रखा है कि जिस सोर्स से वो बिलोंग करते हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिले, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका खाने पीने का तरीका, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ों में जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है, यही सब चीज़ें मिलके बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करती हैं। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जो लेवल्स है ना, इसके थ्री लेवल्स आते हैं, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है जेनेटिक, सेकेंड आता है स्पीशीज और थर्ड वन इज इको सिस्टम। तो ये तीन लेवल्स हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेनेटिक, स्पीशीज और इको सिस्टम। अब ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके से इसको सेपरेट तो किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इनका जो इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10th और 9th क्लास में, इवन 10th में ही आपने फूड वेब और फूड चेन जैसी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अब उसमें आपने क्या पढ़ा, एक ग्रास है, इसको एक ग्रास होपर ने खाया, मतलब एक छोटे ऑर्गेनिज्म ने खाया, इस ग्रास होपर को कोई एक बड़ा एनिमल खा गया और उस एनिमल को कोई और बड़ा खा गया। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी कि ये जो था ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी कि ये सब जो है ना, अपने खाने के लिए किसी ना किसी के ऊपर क्या थे, डिपेंड कर रहे थे, सिवाय इसके ये क्या था, हमारा प्रोड्यूसर। लेकिन इस प्रोड्यूसर ने भी, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन्होंने भी अपना खाना खुद से नहीं खाया था, खुद से बनाया तो था लेकिन किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, वाटर, ये सब चीज़ें। अब ये चीज़ें क्या ये खुद से लेकर आए थे, नहीं, सन रेज जो हैं वो सन से मिली, तो सन इनका तो नहीं था ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि इनमें जो इंटरेक्शन होता है, भले ही ये सेपरेट हो लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मानिए ये फर्स्ट स्टेज ही ख़त्म हो जाए तो बाकी की स्टेज अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इस ये नहीं होगी तो ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा तो इसको खाने के लिए तो कोई ना चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक के ऊपर एक स्टेज क्या करती है, डिपेंड करती है। सो फर्स्ट हमारा जो डाइवर्सिटी आती है, लेवल ऑफ डाइवर्सिटी में फर्स्ट आता है जेनेटिक, सेकंड आता है स्पीशीज और थर्ड वन इज़ इकोसिस्टम। तो फर्स्ट आता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, एक फंडामेंटल करेंसी होती है डाइवर्सिटी की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, वेरिएशंस के लिए। जैसे कि आप अपने फादर से मिलते हैं, आपकी मदर से मिलते हैं, आपकी आइज़ का कलर, आपके फैमिली में किसी के जैसा है, हेयर कलर, नेचर, तो ये सब चीज़ें जो आपको मिलती हैं ना विरासत में, ये चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं। जो आपको अपने जो फोर फादर्स होते हैं, जो आपकी पहले की जनरेशन होती है, उनके जीन्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं, ये हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, पास डाउन जनरेशन फाउंड विद इन अ स्पीशीज, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैंगो राइस आर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो वेरिएशंस आती हैं जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, पास होती हैं। सो ये हो गया फर्स्ट हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड आता है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बिटवीन स्पीशीज डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड। इट इज़ मोस्ट विजिबल कॉम्पोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज इम्प्लाइड बाय द वर्ड स्पीशीज, विच लिटरली मीन्स आउटवर्ड और विजिबल फॉर्म। मतलब कि जैसे कि देखिए, अगर हम स्पीशीज की भी बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया मैमल, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब आपको वर्ड्स क्लियर होते होंगे। फिश भी अगर हम, चलिए सबसे ईजी वाला वर्ड जो है ना फिश, इसको देखते हैं। फिश का मतलब क्या होता है, मछली। लेकिन क्या सारी फिशेज एक जैसी होती हैं, क्या सब में एक जैसी वेरिएशंस होती हैं? हाँ, फिश में एक चीज़ आपको कॉमन मिल सकती है कि भाई वो गिल से सांस लेती हैं और पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन हो सकता है कोई अलग तरीके से खाता हो सकता है किसी का फिजिकल जो फीचर है वो अलग हो, ये भी हो सकता है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो तरीका अलग होता है। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे पास स्पीशीज में। जैसे ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस का क्या एग्जांपल है, अगर आप बोलते हैं ना मानव जाति या मानव वर्ड, जब आप दिमाग में लेकर आते हैं तो आपके दिमाग में ना एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है कि जिसके हाथ पैर हैं, जिसमें दिमाग है, अपना काम सोच सकते हैं, अपने तरीके से सोच सकते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में जाता है। लेकिन
जब हम ह्यूमंस में भी डिवीजन करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कोई फीमेल, कोई मेल, कोई ट्रांसजेंडर, कोई लेस्बियन, कोई गे, कोई किन्नर, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये मैं आपको स्पीशीज बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जो वेरिएशंस आती है ना, आप उस अकॉर्डिंग चीज़ें सोचने लग जाते हैं। जब हम बोलते हैं बर्ड्स तो कॉमन है, लेकिन जब हम बोलते हैं स्पैरो, कोक मतलब कुकू, कोयल या फिर पिजन, तो ये क्या है, हमारे पास स्पीशीज़ आ रही हैं। तो यही सब एग्जांपल होते हैं हमारे पास स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। और ये स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक्सेप्टेबल भी होती हैं कि कोई कितने टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाता है, कोई कितने क्लाइमेट में रह पाता है। तो ये स्पीशीज़ इसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। सो यही आपको समझा रखा है कि जो इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो बहुत अबंडेंट लाइफ फॉर्म होती है हमारी अर्थ के ऊपर। अलग अलग वेरिएशंस आपको डिफाइन करे हुई मिल जाती है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से आंसर में, इसमें ये भी कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। प्लस जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि पानी है, मिनरल्स है, तो इन चीज़ों में भी इनका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन है ना, वो लिविंग में आता है, वो वाटर पे डिपेंड करता है या फिर विंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होके नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हमारा क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पे हमको समझा रखी है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम फ्रॉम फंक्शनल डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स यूनिट दैट आर टर्म्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। इकोसिस्टम बेसिकली इन सब का मिला जुला होता है, जिसमें ये दोनों ही चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन भी हमारी लाइफ स्टाइल में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आए। इसके अलावा जो स्पीशीज जो है ना हमारे ग्लोब पे, मतलब दुनिया में, या जो अर्थ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो स्पीशीज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और अराउंड द ग्लोब। कुछ जो इकोसिस्टम होते हैं जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। जैसे कि बहुत सारी वेरिएशंस आपको फॉरेस्ट में, जो कोरल रीफ्स है मतलब जो पानी के अंदर की दुनिया होती है, एक्वेटिक बॉडीज होती है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इकोसिस्टम में बेसिकली आपको बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से आप अपने इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और लेवल्स कौन से हैं। तो लेवल्स आपके पास में तीन आते हैं, जेनेटिक, स्पीशीज और इको सिस्टम। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर टू ये देखिए, क्वेश्चन नंबर टू जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका आंसर आपको बहुत सारे पेजेस में देखना पड़ेगा, लेकिन इसके आंसर में आपको लिखना ज़्यादा नहीं है। तो इतना आप कर सकते हैं कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊँ ना, आप वीडियो पोस्ट करके, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो उनको एक पेपर पेन पे नोट कर लेना, ताकि जब आप एक बार में उसको देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपसे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के नाम पूछे गए, मतलब जो एनिमल्स हैं ना, कौन कौन से जोन में, बायोग्राफिक जो जोन है ना, बायोजियोग्राफिक जोन्स जो आपको दे रखे हैं, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर हम इंडिया का मैप भी देखें ना, तो उसमें भी देखिए वेरिएशंस कितनी आती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ऐसे क्या है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई मरुस्थल रेगिस्तान वाला एरिया है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन है कि इन्यूमरेट्स एंड एनालाइज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज दैट अकर इन डिफरेंट बायोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए जो टोटल बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं, और हर एक जोन में कैसे टाइप की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, कैसे टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास में बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है बुक तो आप वीडियो पोस्ट करके आंसर लिख सकते हैं। बाकी जिनके पास में बुक है वो पेज नंबर 108 से 117 पेज नंबर तक आपको इसका आंसर मिलेगा। पेजेस देख के मत डर जाइएगा, इतना सारा आपको लर्न नहीं करना है, बहुत सारी लिमिटेड चीज़ आपको पढ़नी है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स।
तो अगर जो बायोजोग्राफिक जोन्स है इसकी अगर हम बात करें तो टोटल आते हैं 10। तो मतलब आपको ये 10 बायोजोग्राफिक जो जोन्स हैं इनको नाम याद रखने हैं, और इनमें कौन कौन सी वाइल्ड स्पीशीज पाई जाती है ये आपको ध्यान रखना है। तो वो 10 में से आपको नाम दे रखे हैं, जैसे ट्रांस हिमालयास, हिमालयास, इंडियन डेजर्ट, सेमी अरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुलर, गैंगटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड एंड कोस्ट। तो ये आपको जो है ना बायोजोग्राफिक जोन्स दे रखे हैं, और अब हम एक एक का स्टार्ट करेंगे इनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। पहली हेडिंग डालना ट्रांस हिमालयास, ऐसे लिखना पेपर पे, जैसे मानिए ये आपका पेपर है, इस पे लिखा पहले आपने ट्रांस हिमालयास, उसके बाद में कुछ एनिमल्स के नाम, फिर सेकंड जोन आपने लिखा, ये फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड जोन लिखा, फिर उनके एनिमल्स के नाम। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रांस हिमालयास। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन टू रिलेटेड आंसर बता रही हूँ। बाकी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, वेजिटेशन कैसा है, ये सब भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना अभी कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं है। फर्स्ट हेडिंग डाली आपने ट्रांस हिमालयास, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ट्रांस हिमालयाज में कौन कौन से एनिमल्स, जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं वो कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे शिप, गोट, ठीक है, ये दो तो यहाँ पे हो गई आपके पास में। इसके अलावा यहाँ से अगर आप देखेंगे वाइल्ड याक, तिब्बतन एस, तिब्बतन गेजल और तिब्बतन एंटोलॉप, ये सब एनिमल्स हो गए। इंडियन वुल्फ हो गया, पैलास कैट हो गया, फॉक्स, और स्मॉलर एनिमल्स में कौन कौन सी आती है, पॉल कैट, पीका, मॉरकॉट, तो ये कुछ एनिमल्स के नाम है। इसको अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो ये जो है ना फिगर 6.3 और 6.4 आपको दे रखी है, यहाँ पे एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है वो दे रखी हैं, प्लस उनकी पिक्चर्स आपको दे रखी हैं। तो ये जो स्पीशीज़ है ना, ये देखिए 6.3, 6.4 और 6.5, तो इनके नाम आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इनमें से सारे याद नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है, पांच भी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत है। तो पांच जो इजी इजी आपको लगते हो ना, अच्छे से दिखने में लग रहे हो, उनको पांच को आप यहां से लर्न कर सकते हैं, ये स्पीशीज के नाम है। अब सेकंड जोन आता है द हिमालयास। द हिमालयाज में देखिए हमारे पास ना हिमालया जोन में ना अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जैसे लोअर सब ट्रॉपिकल फुटहिल्स हो गया, टेम्परेट एरियाज हो गए। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है जो हिमालया जोन है ना वहाँ पे, तो आपको सिर्फ वही वाली स्पीशीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो अब यहाँ पे देखिए हिमालया जोन में, ये यहाँ पे देखिए ईस्टर्न हिमालयाज में टैकिन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनिमल्स के नाम, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पीशीज़ है ना वो प्लांट्स की दे रखी हैं, लेकिन हमें वाइल्ड लाइफ चाहिए, तो ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है ना यहाँ से आप इन स्पीशीज़ को लिख सकते हैं। थर्ड आता है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में आप इसकी लोकेशन भी ध्यान रख लेना, गुजरात और वेस्ट राजस्थान हो गया, इंडियन डेजर्ट वो एरिया को कवर करता है। इसमें जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसमें वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ में देखिए होबोरा बस्टर्ड और सैंड ग्रूज आते हैं। देखिए मेरी ना प्रोनंसिएशन पर मत जाइएगा, आप वर्ड्स पर फोकस करिए, काफ़ी डिफिकल्ट एनिमल्स के नेम हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। डेजर्ट कैट में भी देखिए आपको अलग अलग टाइप की यहाँ पर वेरिएशन दे रखी हैं, तो तीन या चार आपको हर एक जोन के एनिमल्स कम से कम तीन या चार आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सेमी एरिड। तो जो वाइल्ड लाइफ जो है ना सेमी एरिड जोन की, देखिए यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट ऐसे तो दे रखी है, फौना में दे रखा है कौन कौन सी है, फ्लोरा में दे रखा है, लेकिन आप क्या करना, जो डायग्राम्स आपको दे रखे होते हैं ना उसमें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये वाली फिगर आपको दे रखी है 6.11, तो यहाँ पर कुछ आपको दे रखे हैं, मेल फीमेल, स्लॉथ बियर हो गया, लेजर फ्लोरिकन हो गया, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से एनिमल्स को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जोन फाइव में आता है वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना अलग अलग तरीके के एनिमल्स की स्पीशीज़ यहाँ पे आपको दे रखी है वेस्टर्न घाट्स में, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे रॉडेंट्स में स्क्वेरल्स हो गए, कार्निवोरस हो गए, हॉर्नबिल हो गए, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ आपको दे रखी हैं। अगेन मैं आपको सेम चीज़ बोलूँगी कि अगर सारे नाम याद नहीं होते हैं तो थोड़े बहुत नाम आप हर एक जोन के याद कर लीजिए, ज़्यादा भी नहीं ना, तो कम से कम तीन तीन नाम आपको हर एक जोन से याद होने चाहिए। इनको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगती हो, स्पेलिंग याद रहे, वो चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि
ये जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे आपने लिखा वेस्टर्न घाट्स और फिर उसमें रॉडेंट्स में लिख दिए, दो नाम हो गए, चले दो भी नहीं लिखते, रॉडेंट्स लिख दे दिए, स्क्वेरल्स लिख दीजिए और कार्निवोरस में भी एक दो नाम लिख दीजिए, सब स्पोर्ट एंड कैट हो गया। तो कैट क्या है, ईजी सा नाम है तो आपको ध्यान में रहेगा। इसके अलावा हॉर्नबिल में हो गया, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, हॉर्नबिल ना एक आपकी अकेडमिक्स में सिक्स से लेके और टेंथ ट्वेल्थ तक की एक बुक है हॉर्नबिल, उसके मतलब इस क्लासेस के बीच में एक क्लास में ना हॉर्नबिल यूज़ होती है। कॉमेंट करना कि कौन सी क्लास की बुक है और वो किसके नाम पे, ये हॉर्नबिल क्या है, बर्ड है या एनिमल की स्पीशीज है, ज़रा ये प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करिएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ फॉनल एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनके नाम और पिक्चर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये हो गया आपके पास में। नेक्स्ट आता है हमारा जोन सिक्स जिसमें डेकन पेनिनसुला आता है। तो यहाँ पे डेकन पेनिनसुला का जो एक जो स्पीशीज़ है वो तो आपको चिथल दे रखी है, एक्सिस एक्सिस जो यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे आपको और भी स्पीशीज़ दे रखी हैं, जैसे सांबर नीलगाई, तो नीलगाय या नीलगाय, इसको देखिए प्रोनंसिएशन इसका वैसे तो नीलगाय होता है लेकिन आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बार्किंग डियर, गौर। तो ये कुछ जो एनिमल्स हैं, ये जो स्पीशीज़ हैं, ये हमें डेकन पेनिनसुला की दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट जोन आता है, टोटल आपके पास ना ये 10 जोन है जिसमें से नेक्स्ट 7 जोन पे आता है गैंगटिक प्लेन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ ऑफ गैंगटिक प्लेन्स। देखिए जो गैंगटिक प्लेन है ना, इसमें यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि कितने से कितने एरिया में ये गैंगटिक प्लेन है, किस टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन होता है, फ्लावर्स वगैरह या जो एनिमल्स होते हैं वो किस टाइप के हैं, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ दे रखी है। वाइल्ड लाइफ में देखिए कुछ वेटलैंड वाला पोर्शन दे रखा है, कुछ आपको टेरेस्ट्रियल वाला दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से दे रखे हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब एक चीज़ और यहाँ पे ना, मैं आपको कुछ यहाँ पे समझाने वाला नहीं, अब जैसे मैं आपको ये नहीं बता सकती राइनासोरस को ऐसे बोलो, बफेलो को ऐसे बोलना है, तो ये जो एनिमल्स के नाम हैं इनका लास्ट ऑप्शन यही है कि आपको इनको लर्न ही करना पड़ेगा और कोई आपके पास में चॉइस इसकी आती नहीं है। बफेलो, राइनोसोरस, इसके अलावा डियर, हॉग, हिस्पिट, सो ये सब कुछ एनिमल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आइलैंड और लास्ट जोन आता है कोस्ट। कोस्ट और जो आइलैंड्स है इसमें मैमल्स और रॉडेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे बैट वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनके अलावा जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज होती है, हमारा लास्ट जो जोन आता है कोस्ट जोन, तो वाइल्ड लाइफ जो है ना कोस्ट की, देखिए यहाँ पे आपको समझा रखा है कहाँ कहाँ पे किस टाइप के जो कम्युनिटीज़ हैं या स्पीशीज़ है वो पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे बात करें मैंग्रोव्स की, सेकंड आता है सैंडी बीचेस हो गए, मड फ्लैट्स हो गए, तो कोरल में यहाँ पे कोस्ट लाइंस में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको स्पीशीज़ के नाम दे रखे हैं, जैसे डुंगोंग, हमबैक, डॉल्फिन, और इसके अलावा जो एस्ट्रोइन मतलब कि जो एक्वेटिक जो एनिमल्स आते हैं, एक्वेटिक का मतलब जो वाटर बॉडीज से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स आते हैं, स्पीशीज आती हैं, वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे डियर, पिग्स, मॉनिटर, लिजर्ड, मंकी, सुंदरबन, टाइगर, तो ये सब भी आपको स्पीशीज़ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ना, पेज बहुत ज़्यादा थे इसमें, कवर बहुत ज़्यादा हुए नो डाउट, लेकिन आंसर इतना बड़ा नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपकी एक शीट लगेगी और सारे जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं आपको ध्यान रह जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आपको ना ऐसे फीचर्स या पॉइंट्स बताने हैं जिससे कि आप ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेज नंबर 117 और 118 मतलब 117 और पेज नंबर 118 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये देखिए, ये रहा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे पहले तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो हॉटस्पॉट कैसा एरिया होता है, वो एरिया जो एक्सट्रीमली रिच होता है स्पीशीज़ में और जहाँ पे हाई एंडेमिज्म और अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट होता है, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारी जो जो स्पीशीज़ होती है ना, ऐसा रीजन जहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब जैव विविधता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बहुत सारी स्पीशीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं।
अगर हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा की बात करें तो जो 18 रीजन्स है ना उनको हॉटस्पॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो टोटल 18 रीजन्स है जिसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे इसमें एरिया बता रखा है कि जो 18 हॉटस्पॉट रीजन जिनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है वहाँ पे 50,000 जो है ना वो एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ है, 20% जो है ना वर्ल्ड की प्लांट स्पीशीज़ आती हैं। ये टोटल आपको सरफेस एरिया यहाँ पे बता रखा है एक स्टैटिक पोर्शन में, आप चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आपको डेटा याद रहता तो अप्रॉक्स वैल्यू आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए ये जो 18 रीजन्स है ना ये मेयर्स की जो 1988 की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग थे। फिर जो यूके ने जो आइडेंटिफाई किया 21 हॉटस्पॉट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो ग्लोबल रिपोर्ट है मेयर्स की, जो नेक्स्ट जो 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 34 हॉटस्पॉट्स हैं जो कि 1.4% जो हमारी अर्थ का लैंड सर्फेस है उसको कवर अप करते हैं। तो मतलब कि ओवरऑल आपको ध्यान में ये रखना है कि 34-35 कुछ इतने हॉटस्पॉट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे फाइंड आउट करे गए हैं, जिनमें से 34 में से जो 4 है ना वो हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो 34 हॉटस्पॉट हैं उनमें से 4 जो है ना वो 4 हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, और वो 4 कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। एक आता है वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंको इंडो बर्मा रीजन, इसके अलावा सेकंड हिमालयाज में आता है, सुंदरबन कवर्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे देखिए ईस्टर्न हिमालयाज और जो हिमालय सुंदरबन साइड के जो निकोबार आइलैंड है वो वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, तो ये 4 आपको ध्यान में रखने हैं जहाँ पे जो ये 4 हॉटस्पॉट हैं ये हमारी कंट्री में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इनमें क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, फ्लोरा और बहुत सारी जो एंडेमिज्म होते हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्बिफियंस हैं, मतलब एनिमल्स और जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं इन हॉटस्पॉट्स में बहुत सारी वैरायटी में पाई जाती हैं। ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, आपके लिए स्टैटिक पोर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रहेगा आपको। इसके अलावा इंडिया के अलावा भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिचर है, मतलब जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की आपको बायोडाइवर्सिटी जैव विविधताएं देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो इकोनॉमिकली पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में, वो भी मोस्टली जो है ना बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच हैं। ये बता रखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना वो डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी हद तक, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लेकिन स्टिल आपको वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी वेराइटी की बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपने स्टैटिक पोर्शन में इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री क्यों बोला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसा क्यों बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे सेपरेटली भी शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। सो, अगर मानिए ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपको शॉर्ट नोट में दे दी जाए तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ करके इस आंसर को लिखेंगे, और ट्रस्ट मी आंसर आपको ये लर्न करना पड़ेगा बट लर्निंग भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी ईजी हैं, आपको समझ आ जाएंगे। देखिए पहला जो फर्स्ट पॉइंट मेन पॉइंट आप जो इसमें लिखेंगे कि टोटल ना 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, इनमें से जो 4 है ना 4 हॉटस्पॉट वो हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, और वो 4 कौन कौन सी कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं ये मैंने आपको ऊपर यहां पर समझा दिया, तो आंसर को आप यहां से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो एंडेमिक है इंडियन बायोडाइवर्सिटी में वो बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे आपको एक स्टेटिक डेटा दे रखा है जिसमें से जो 33% जो है ना रिकॉर्डेड फ्लोरा वो हमारे भारत देश में एंडेमिक है। मतलब कि क्या है, जैसे ना बहुत सारी ऐसी प्लांट की एनिमल की स्पीशीज़ हैं जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ में गायब हो रही हैं और उनको कंजर्व करके रखा जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। क्या होता है, अलग अलग एरियाज़ की जो जो फेमस जो स्पीशीज़ होती हैं प्लांट स्पीशीज़ एनिमल स्पीशीज़, तो उनको ऐसे हम प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं और उनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि वो वहाँ पे उनको ऐसा क्लाइमेट वैसा वेदर और ऐसी ज़रूरतें उनकी पूरी करी जाती हैं कि वो वहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर पाएँ। तो ये उन्हीं स्पीशीज़ के साथ में स्पेशली किया जाता है जिनको अभी हम नोटिस कर पा रहे हैं कि काफ़ी हद तक उनका अमाउंट कम होता जा रहा है टाइम के साथ में।
इसके अलावा जो हमारा भारत देश है यहाँ पे जो अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये जो थर्ड है ना, मतलब कि ये होम है नियरली अ थर्ड ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द डेट इन द कंट्री। मतलब मोस्टली जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें से जो इंडिया है ना वो 26 रिकग्नाइज एंडिमिज्म में सेंटर्स में आता है जहाँ पे बहुत सारी वेराइटी के फ्लावरिंग प्लांट्स आपको मिलते हैं और उनका घर इसको डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा 3 बायोमीज आपको दे रखे हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेडिसियस फॉरेस्ट एंड द वार्म डेजर्ट सेमी डेजर्ट। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हमारे भारत में 10 जो है ना वो बायो जोग्राफिक रीजन्स है, जो मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करवाया ना जिसमें मैंने आपको जोन्स पढ़ाए थे और जिनकी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ मैंने आपको बताई थी, तो वो 10 जोन्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और अगर आंसर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आता है तो 10 बायो जोग्राफिक जोन्स के आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, ईस्टर्न जोन, साउथर्न जोन, तो ऐसे आप उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा भारत है ना, वन ऑफ द 12 सेंटर है ऑफ द ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। मतलब कि अगर जैसे कि 12 सेंटर्स हैं उनमें से एक जो सेंटर है ना वो हमारा भारत भी उसमें इंक्लूड होता है कल्टीवेटेड प्लांट्स की लिस्ट में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कैसे समझा जाता है, क्यों इसको ये जो स्टेटस है वो मिला हुआ है, तो इन पॉइंट्स का आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, एक्सप्लेन द यूज़ वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है ना इसकी यूज़ वैल्यूज़ आपको लिखनी है। पेज नंबर 118, 19 और 120 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब बार बार मैं आपको बता रही हूँ जैव विविधता होता है। तो यहाँ पे ना इसकी जैसे इम्पॉर्टेंस तो मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंस होते हैं, इसी तरीके से इसकी बहुत सारी वैल्यू और इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ वर्थ आपको दे रखे हैं बायोडाइवर्सिटी की कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब देखिए क्यों, जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो एक रिफ्लेक्शन होता है किस चीज़ का, ह्यूमन वैल्यूज़ का, एंड दीज वैल्यूज़ आर वेरी ड्रामेटिकली बोथ अमंग सोसाइटीज़ एंड इंडिविजुअल्स। मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी ना वहाँ पे कितनी वैरायटी की प्लांट, कितनी वैरायटी की स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, तो ये क्या है, एक तरीके की ह्यूमन बिहेवियर को शो करती है कि हम अपने मिनरल्स, अपने रिसोर्सेज या जो हमारे पास में स्पीशीज़ पाई जाती हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, हम उनको कितना हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, कितनी हम उनकी केयर कर रहे हैं, इतना समझ में आता है। इसके अलावा इसके अंदर हमारी कुछ स्पिरिचुअल, कल्चर और एथेस्टिक वैल्यूज़ भी होती हैं जो कि इनडायरेक्ट वैल्यू और सर्विसेज को डिनोट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं लाइक तुलसी ट्री हो गया, नीम ट्री है, पीपल ट्री है, तो इनमें क्या है हमारी ना बहुत सारी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं। स्पिरिचुअल मतलब हमारी बहुत सारी धारणाएँ होती हैं, हम इनको इनकी वॉर्शिप करते हैं, भगवान की तरह हम इनकी पूजा करते हैं। प्लस बहुत सारी हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जैसे पीपल के पेड़ के ऊपर धागा बांधना या उसकी परिक्रमा करना, या फिर कोई फास्ट है, कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, तो उसमें हम जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं उनकी हम वर्शिप करते हैं एज अ गॉड और गॉडेसेस। तो ये चीज़ें क्या आती हैं, ये हमारी इसके अंदर, मतलब हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कितनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कितनी हमारी वैल्यूज़ हैं, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो इन चीज़ों का भी होता है कि हमारी बहुत सारी मोरल, स्पिरिचुअल और कल्चरल जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ में अटैच्ड होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्रोवाइडेड इन की फॉर्म फ्रॉम द बिलो इज ई अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पे ना आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है और वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखा तो एक आती है हमारी यूज़ वैल्यू और एक आती है नॉन यूज़ वैल्यू। यूज़ वैल्यू में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट में भी आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से समझा रखे हैं, मतलब फ्लो चार्ट आपको बता रखा है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं वरना यहाँ से आप की पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं। यूज़ वैल्यू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी आपको अलग अलग डिविजन्स दे रखे हैं। यूज़ वैल्यू में हमारे पास 3 टाइप की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप इस फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू क्या होती हैं, एसेस्टिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे कि डायरेक्ट यूज़ वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि मानिए कोई भी प्लांट है, कोई भी ट्री है, आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको खाना मिल रहा है या उससे आपके शेल्टर के लिए लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी ले रहे हैं, तो वो क्या उसका डायरेक्ट यूज़ हो गया। डायरेक्ट यूज़ वैल्यूज़ में क्या होता है, जहाँ पे आप गुड्स को, चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, चाहे वो फूड के प्रस्पेक्टिव से, चाहे टिम्बर प्रैक्टिस से, मतलब आप किसी भी तरीके से उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं।
अब इसमें वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, मेडिसिन की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्रॉप का प्रोडक्शन किया, जैसे आपने एक खेत में गेहूं लगाए, तो वो क्या है, आपने उन गेहूं को काटा तो जो उसमें से अनाज था उसको आपने अपने खाने में यूज़ कर लिया, जो उसकी डंडी थी या जो लकड़ी थी उसको आपने जलाने के लिए यूज़ कर लिया, और जो उसमें से भूसा बचा वो आपने अपने जानवरों को डाल दिया। तो ये क्या है, आपके पास में डायरेक्ट यूज़ वैल्यू आता है कि आपने उसका प्रोडक्शन किया, उसके बाद में आप उसका कंजप्शन करें। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी डायरेक्ट वैल्यू में। इसके अलावा जो डायरेक्ट यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास यूज़ ऑफ फॉरेस्ट आता है, वेटलैंड्स आते हैं, और बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स भी आते हैं जिनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो जो डायरेक्ट यूज़ वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सट्रैक्टिव यूज़ हो सकता है, जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनसे आप चीज़ों को निकालते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, ओके, ये कॉमन प्लांट है, इससे आपने फूड लिया, लेकिन इसको आपने इसकी मेडिसिनल प्रैक्टिस करी, मतलब इसका मेडिसिनल परस्पेक्टिव पे यूज़ किया, तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसमें से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, उसके अंदर हमारा हम पेट्रोल और डीजल और भी बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स को हम वहाँ से एक्सर्ट करते हैं। कोल है, कोयले से ही ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, डायमंड वगैरह, ये सब चीज़ें किससे मिल रही हैं आपको, कोल से मिल रही हैं। तो ये सब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपके पास में चीज़ है और उसमें से आप और चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी एक्सट्रैक्टिव यूज़ होता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू। इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि दैट सपोर्ट द आइटम दैट आर कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे ना हमारे पास नॉन कंसेप्टिव वैल्यूज़ भी आती हैं, कुछ असेस्टिक वैल्यूज़ भी आती हैं, असेस्थेटिक वैल्यूज सॉरी। तो नॉन कंसेप्टिव वैल्यूज़ में क्या आती हैं, जहाँ पे जो हमारा ना वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस विदाउट विच और प्लैनेट वुड बी इनहैबिटेबल। देखिए यहाँ पे क्या है, इनहैबिटेबल सॉरी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे हम सेल्फिश होके नहीं सोचते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर जो सोसाइटी है ना उसके वेलफेयर के लिए, जैसे कि आपने ना कोई भी सोशल मैसेज स्प्रेड किया कि सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है, सोशल लेवल पे आपके एक के सेव करने से ये चीज़ प्रोटेक्ट नहीं होगी। जब ये चीज़ें लार्ज स्केल पे यूज़ हो रही है तो इनको जो प्रोटेक्शन है ना वो भी क्या होनी चाहिए, लार्ज स्केल पे मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट यूज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके घर में ना एक टैंकी अनाज है जिसमें आपने गेहूं या बाजरा कोई भी किसी भी तरीके का आपने अनाज उसमें भरा हुआ है, तो अगर आप उसको डायरेक्ट सेव करते हैं तो आपने क्या किया कि आपके घर का जो अनाज है ना उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेव करें कि आज आपने गेहूं की जगह किसी और चीज़ की रोटी खा ली या कुछ और आपने खा लिया हो। तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी वैल्यूज़ पे सेव करें। लेकिन जब हम सोशल लेवल पे सेव करते हैं, जैसे पानी, अगर आप एक अपने घर का बचाएंगे ना तो उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, जब ऑल ओवर द मतलब लार्ज स्केल पे उसका कंजप्शन होगा या लार्ज स्केल पे उसको यूज़ किया जाएगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो जो नॉन कंसेप्टिव वैल्यू आती है उसमें हमारा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी देखते हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेस्थेटिक वैल्यूज़। असेस्थेटिक वैल्यूज़ में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, जो लोग एक किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम में आ गए, जैसे होम गार्डन हो गया, नंबर ऑफ़ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हु विजिट नेशनल पार्क्स, बॉटनिकल, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरियम, प्लेस वेयर वन कैन एक्सपीरियंस नेचुरल लैंडस्केप्स और व्यू डाइवर्स स्पीशीज। असेस्थेटिक का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे एक पार्क बना दिया आपके एरिया में और वहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ते हैं। कोई पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ पे आपका अलाउ तो है एंट्री, लेकिन वो चीज़ एक तरीके से आपकी धरोहर, हमारी सोसाइटी की धरोहर बना के हमको वो पेश करी गई हो, तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा एथिकल वैल्यूज़ में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमारी जो बहुत सारी इकोनॉमिक सोशल लेवल पे कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती है जो ह्यूमन कम्युनिटी से इस तरीके से रिलेट करती हैं और हम चीज़ों को इसी तरीके से इमेजिन करते हैं कि उनसे हमारा क्या लेना है। इसके अलावा कुछ हमारी कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनसे हमारे रिचुअल्स, हमारे जो धर्म होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी उनसे जुड़ी हुई होती हैं। कुछ ड्रामा, पोएट्री, स्टोरीज़ में आपने उनका काफ़ी बार नाम सुना होगा, तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आपके पास में बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करना, उसके बाद में इस आंसर से जो भी आपको की पॉइंट्स अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हैं, वरना इतना मैंने आपको समझा दिया है कि आराम से आप इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे।
और एक चीज़ और कि ये जो यूनिट है ना आपकी बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज़ एंड सर्विसेज, इसमें आपको 60% या 50% तो आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान तभी रह सकते हैं जब आप उनको लर्न करेंगे, वरना आप हर चीज़ को इसमें कनेक्ट करके लिख पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये क्वेश्चंस हो गए आपके। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको यूनिट 7 एनर्जी रिसोर्सेज करवाऊँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू। आप सब मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी होप नहीं थी इतना सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा मुझे इतना ज़्यादा कम टाइम में। सो इसके लिए थैंक यू, और प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, और जितना मेरे से मैक्स टू मैक्स आप लोगों की हेल्प होगी मैं डेफिनेटली करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।